हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ आपके चैनल IIT सर्विसेज में लेकर, जहां पर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो को स्किप न करें, कंप्लीट देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां देने वाला हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे वो आपकी पेमेंट से रिलेटेड हो या इसमें नॉट हो, स्टेटस नॉट चेंज हो, आधार के अंदर नहीं ऐड हुआ है या बायोमेट्रिक, तो सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली चीज़ की दोस्तों, आपको आ जाना है NSP स्कॉलरशिप पर, ठीक है। NSP स्कॉलरशिप पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो अब आपको प्रीवियस ईयर के एप्लीकेशन पर यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। अब आपको फ्रेश किस ईयर का आपको देखना है वो यहाँ आपको चूज करना होगा। फ्रेश रिन्यूअल ये आपने डाला, एप्लीकेंट डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये आपका आ जाएगा। अगर आप फ्रेश है या रिन्यूअल है ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका जो स्टेटस इस तरीके से चेंज हो जाएगा, आपका जो स्टेटस चेक हो जाएगा। साथ ही साथ एक नोटिस भी जारी हुई है, उस नोटिस के बारे में भी बता देता हूँ। ये नोटिस की स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए और ये नोटिस देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 क्राइटेरियों में इसको बांटा गया है। आपकी डेट भी कही गई है, एक्सटेंड टाइमलाइन दिए गए, रिवाइज करके टाइमलाइन को बढ़ाया गया है। पहला जो अपलोडिंग जो आधार का क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके अगर 18 साल से कम है या मतलब बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है तो उसके लिए जो बायोमेट्रिक्स होना है वो लीगल गार्जियन को जो है 31 तक होना है। उसके बाद अपने DNO, INO और AH हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो है वो 29 तक जो है जाके इसको करा लें। बायोमेट्रिक मैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, यानी उसको 25 तक रखा गया था, अब उसकी डेट को बढ़ा के 31 तक कर दिया गया है, यानी 31 अगस्त तक का क्राइटेरिया पूरा है। यहाँ पर इनके जो है INO के जरिए जो होना था वेरीफाई करना था वेरीफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो उसको जो है 27 तक था लेकिन उसको बढ़ा के 6-9 तक कर दिया गया है, यानी 6 सितंबर हो गया है। और वेरीफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाई SNO इसको 8-9 तक कर दिया, यानी सितंबर में चला गया पूरी डेट। तो कंप्लीट डेट दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाकी चीज़ें कहते हैं, इसमें नॉट रिसीव्ड है, इसमें स्टेटस नॉट चेंज है, आधार नॉट ऐड है, बैन है, तो इसके बारे में मैं वन बाई वन करके बता दूँ कि सबसे पहली चीज़ कि आप अपने स्टेटस को इसमें आया कि नहीं आया है। बहुत से लोगों के नंबर पे इसमें आ भी रहा होगा, बहुत से लोगों के नंबर पे इसमें नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर को चेक कर लें कि आपका मोबाइल नंबर आपने जो है वही लगाए कोई और लगा, क्योंकि बहुत से लोगों का नंबर चेंज होता है जिसकी वजह से आपका जो है स्टेटस क्या नाम है वो चेक नहीं हो पाता है, इसमें से नहीं आ पाता है फाइनल होने के बाद। स्टेटस नॉट चेंज, अगर आपका स्टेटस बदला है कि नहीं बदला है ज़रूर आप स्टेटस चेक कर लीजिए और जैसा होता है फिर आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपको इस पर क्लियर करता हूँ। आधार नॉट ऐड, आपका आधार जो है ऐड नहीं है, आपके आधार में अगर कोई करेक्शन करा है कुछ बता रहा है तो आप इसको आधार को ले आके अपने जो है इसको चेंज चेक करा लें कि आपका आधार जो है वहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग तो हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर करिएगा। और लिस्ट में अगर नाम है कि नहीं, सब ये लिस्ट जो है वो आपकी स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस के अंदर यहाँ क्या शो कर रहा है। ये चीज़ को आपको ज़रूरी है कि आपका जो भी स्टेटस है वो शो हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। अब पेमेंट कब मिलेगी, सवाल यहाँ ये उठता है, तो पेमेंट के बारे में बता दूँ कि पेमेंट जो है वो 31 यानी मान के चले आपकी 30 सितंबर में आपकी पेमेंट मिल जाएगी, आप आसानी के साथ पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी फॉर्म जो है 8 तक तो मैंने आपको डेट दिखाई दिया है कि जो फॉर्म का वेरिफिकेशन है वो INO के जरिए वेरीफाई जो करना है एप्लीकेशन को वो 8-9 तक करना है, तो यानी इसका मान लें कि 8-9 तक सितंबर में ये होना है, तो फिर ये अक्टूबर सितंबर की लास्ट तक चला जाएगा आपका पेमेंट आने में। तो घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस वे खुल जा रहा है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।